करते हैं, चलो अथरा पत्थर कर ले। जितना ही पर आएगी उतने पत्थर आवेगा। चलो अरे कुछ जगह बेटा, चलो गाइस वेलकम बैक टू क्रेजी प्रिया। हम लोग आ गए हैं लाटन पाटन रेडी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू क्रेजी प्रिया। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को घुमाने के लिए लाई हूँ। बाय द वीडियो के साथ आपको दिखाते हैं, हम लोग आए हैं पाकी से थोड़ा सा 7 किलोमीटर आगे, जहाँ पे एक फोर्ट है जिसको हम प्लामू किला के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम आपको ये ऐतिहासिक स्थल का सैर कराते हैं। तो यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जंगली जंगल है, रास्ता का भी पता नहीं चल रहा है। तो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, वो सन्नी का पेड़ है ना, वो बड़ा वाला सनी का नहीं है, सनी का घर में है। तो अभी हम सबको जाना है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हाइट पे, तो चलिए चलते हैं। आइए अच्छा धीरे चल रहा, अभी हमें यहाँ से चल चल के जाना है। यहाँ पे बहुत सारा पत्थर भी है, अगर आप लोग आए तो यहाँ पे संभल के चलेगा, अगर फिसल गए तो गिर भी सकते हैं। तो ये जो किला है, ये प्लामू जो किला है, ये बहुत ही हाइट पे बना हुआ है, ठीक है। मेरे को लगता है कि जब राजाओं ने बनाया होगा या फिर, तो ये पहाड़ को काट काट के ऊपर जाके बनाया गया होगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर, ऊपर से कैसे है दिखाता है। और यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है, तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आने वाला है फोटो के साथ। तो यहाँ से है ये रास्ता बंद, और इसके बाद है बहुत ही घना जंगल। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे प्लामू किला के पास, और यहाँ पे एक दो बस स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये किला। चलिए दी अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति मिल रहा है हमें, है ना दी? कितना शांति है यहाँ। तो राजा जब किला बनाते थे तो इतनी ऊंची ऊंची दीवार, इतना में तो अब हमारे यहाँ 3 तल्ला घर बनेगा, है ना। और राजा लोग कितना ऊंचा ऊंचा दीवार बनाते थे, देखिए ये कितना बड़ा दीवार है। और ये किस चीज से बना है? बेसिकली इसके अंदर पत्थर भी है, ईंट भी है, बालू भी है, सीमेंट भी है, और ये इतना मजबूत बनाया गया है, इतने साल होने के बावजूद ये अब तक यहाँ पे है, है ना, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरे को लग रहा है ईंट है या मिट्टी है। तो ये है किला, तो जिया जी और जयंती हमें छोड़ के जा चुकी हैं, और हम लोग अब अकेले घूम रहे हैं। पीहू कैसा लग रहा है घूम के, कैसा लग रहा है पीहू? किला कैसा लग रहा है? अच्छा है ना, अच्छा है ना। पापा आ गए हैं, देखो पापा तुम्हें छोड़ के चले गए। कहाँ है? सीधा सीधा। तो ये कितने बड़े पैमाने पे ये किला बनाया गया है ना, आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें देख कर तो और मज़ा आता है। ये देखिए, इसके अंदर जाना है।
तो ये पहले जमाने का ईंट कितना पतला पतला हुआ करता था। ओ माय गॉड, देख सकते हैं ये। सो आप लोग वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किला कैसा लगा, प्लामो किला। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। यही है दी, मतलब पहले के लोग कितना मतलब मोटा मोटा दीवार बनाते थे। तो जी ये किला कौन बनवाया था? चेरो वंश के राजाओं ने बनाया था। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना साल पुराना हो गया होगा? ये बहुत पहले का है। लगभग लगभग कितना साल पुराना? लगभग 700 ईस्वी में शायद बना था। 700 ईस्वी। बाय द वे हमारा झंडा वहाँ पे फहरा है, लहर रहा है ठंडी ठंडी हवाओं में। जय हिंद। ओ बाप रे, तो हमें लगता है ये दीवार यहाँ से टूट गया था और टूटने के बाद ये 3-4 भागों में बट गया। दीवार था या ये पिलर था? धीरे धीरे बेटे, धीरे धीरे चबा के चल जाएगी। चलिए, क्या क्या हो रहा है? पत्थर आ रहा उधर से। अरे ऐसे ही कोई गिरा हुआ, चिड़िया उड़ गया, चिड़िया उड़ गया, पत्थर उठा गई। अरे चलने में उधर से लटक भुटक गया होगा। देख सकते हैं ना आप लोग यहाँ पे कितनी मोटी मोटी दीवारें थी। कौन मारा पत्थर? सही है, कौन मारा जी? आप? नहीं भाई, मेरे पास खुद आया पत्थर। पत्थर? हाँ, कोई मार रहा है पत्थर। बहुत डर लगता है। ओह कितना बड़ा पत्थर लगा, चोट लग जाता दीवान जी को तो। हट। तो कौन है यहाँ पे मेहमान है क्या? जल्दी आइए। नहीं क्या है? कौन मार रहा है पत्थर? सामने आओ। कौन मारेगा? ये भाग तुम लोग खराब है। था कि नहीं बेटा बताओ? पत्थर देखेगा ना? बोलो तो। कहाँ चार गले पापा पास दे। चलो बेटा। अरे चलो। हम चल रहे हैं। कृपया जो भी है सामने आए, ऐसे पत्थर ना फेंके, किसी को चोट लग सकता है। चलते आराम से चलना। अच्छा, ये कुआं भी उसी टाइम का बना हुआ है? अरे चलने वालने में छिटा कुटक गया होगा। तुम्हें चलना देख क्या से लेट क्या कर रहे क्या पता खींच उच को लेगा तो। चलो जीजा जी मत डरवाइए, कोई नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ घटना घट रहा है। वो तो वॉशरूम गए हैं, वो वॉशरूम गए हैं। वो जीजा जी को बोल रहे हैं कि कुआं दिखा रही है हमको।
कोई नहीं है, चलो चलो देखने जल्दी से, आप तो लौट आते हो, चलो अठारह पत्थर कर ले। ये तो यहीं पर आएगी, उतने पत्थर आवेगा। चलो अरे कुछ जगह बेटा, चलो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई हमें पत्थर फेंक रहा है, वो अब कोई आदमी हमें नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पत्थर फेंक रहा है, और बड़ा सा पत्थर फेंक, पहले एक छोटा पत्थर आया, फिर उसे थोड़ा सा छोटा, मतलब थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा सा पत्थर आया। ए उधर से आप पत्थर फेंक रहे थे, वहां से कोई पत्थर फेंक रहा है बड़ा बड़ा, अंदर से मजाक है, सही में इतना बड़ा पत्थर आया तीन बार। हाँ ये बुलाइए ना पहले। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हैं घूमने के लिए, और ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम आपको यहाँ के दिखाते हैं, बड़ा सा कुआं है। ए देखिएगा कहीं कोई टान ना ले कुआं में, ए मत करिए। वैसे कैसा कुआं है, गोल है। अगे मैया कुआं तो सूखा हुआ है पूरा। अब मोबाइल गिर गया तुम्हें उल्टा लटका के निकाले। बेटा ये देखो सही में पत्थर फेंक रहा था क्या थे हम कहाँ थे, मजाक कर रहे हैं का? साम के जान के डर है, देख रही है तो पीछे भी हट रही है। देखिए इधर बैठ, देखो ला हाँ तुमको दिखा दे, देखना वो सांप को फेंका उतना मोटा वैसे इस मतलब आ दिखा दे। तो कुआं देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें ना इसके अंदर से बहुत ही मतलब ठंडा ठंडा हवा का एहसास हो रहा है, झुक के देखिए। तो इसको ले जाइए घर में लगा दीजिए खिड़की में, हवा मारेगा। मजाक नहीं, पत्थर वगैरह बहुत ही ठंडा, उसके अंदर से ठंडा ठंडा हवा का एहसास हो रहा है, जरूर कोई पत्थर मार के दिखाते तो सच में मार रहा था। हाँ तुम डर गई, कौन पत्थर मार रहा था यार? सही में पता है, एक पहले तो छोटा सा पत्थर आया, इतना बड़ा आया, और फिर इसका इतना बड़ा पत्थर आया, हमको जड़ देखे ना पूरा नीचे तक चल गया। तबरी बोलती तबरी इतना बड़ा आता। हां मम्मी आ ले दे कुछ पत्थर मार दो। देखे ना ये हम लोगों, जल्दी थोड़ा इधर। बाप रे बाप, पहले बहुत खड़ा है, इतने फट जाएगा। कैसा लग रहा है सीढ़ी? सीढ़ी तो खैर ठीक नहीं बनाया है, धीरे धीरे बेटा चोट लगेगा, चोट लगेगा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो इस किले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? थोड़ा सा जानकारी है हमें। क्या बताइए क्या? इस किला का निर्माण सन 1766 से 1770 के बीच हुआ था। अच्छा। और इसे बनवाया था चेरो वंश का राजा मोहन गोपाल मोहन राय ने। अच्छा, तो ये किला 1771 में अंग्रेज ने इस पर धावा बोल दिया था, उसने मतलब कब्जा कर लिया। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब जो किला है वो बहुत ही ज्यादा मतलब जगह पे बना हुआ ना, और बिल्कुल इतना मोटा मोटा सा दीवार, उस टाइम भी ईट हुआ करता था, बनाया जाता था पर्सनल। अच्छा, मतलब राजा लोग ऑर्डर देके बनवाता था। आपको कुछ पता है इस किले के बारे में? इनको नहीं पता। तो कैसा लगा यहाँ पे घूम के? बहुत गर्मी लगा। अच्छा बहुत गर्मी लगा। हाँ सही बात, चलिए ना।